अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। बस टाइम भी नहीं मिलता। ये गाड़ी है XLi, ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रही है। ये साथी थे वो मार्केट आए हुए थे, तो यहाँ उन्होंने खड़ी की तो बाद में वो कहते हैं कि ये स्टार्ट नहीं हो रही, तो हम इसको चेक करने के लिए आए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं इसका क्या मसला है। तो मारो सलम मारो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी बैटरी भी ठीक है, खराब नहीं हो रही। तो इसको हम चेक करते हैं क्या इसका सेल्फ ख़राब है या इसके इलेक्ट्रॉनिक को प्रॉब्लम है। तो उसका सबसे पहले तरीका ये है कि आपके पास एक टेस्टर होना चाहिए। DC टेस्टर के साथ आप इसके चेक करेंगे इसके सेल्फ पे, जब आप चाबी घुमाते हैं लाइन आती है या नहीं। तो ये भी हम चेक करेंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो इसका बड़ा ज़रा मुश्किल जगह पे होता है, वहाँ से दिखाना तो मुश्किल है। इसका सेल्फ मैनिफोल्ड के बिल्कुल नीचे होता है। मैं कोशिश करूँगा वो लीड निकाल के आपको दिखा सकूँ। आज से आप वहाँ से लीड निकाल सकते हैं। निकाल के तो उसके साथ टेस्टर लगा के अंदर से चाबी घुमाएंगे, अगर उस पर लाइट आती है तो आपका वायरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सेल्फ में इशू है। अगर सेल्फ पे लाइन आ रही है तो और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो फिर इसमें कोई और प्रॉब्लम है। तो इसमें मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसमें। जी तो इसमें लाइन नहीं आ रही, सेल्फ में प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि सेल्फ में प्रॉब्लम हो तो इस पर आना चाहिए करंट, आना चाहिए। लाइन में करंट नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका सेल्फ ठीक है। सेल्फ चेक करने के लिए आप डायरेक्ट वायर से सेल्फ को चला के भी देख सकते हैं, वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हम इसका क्या करेंगे कि इसको एक इसकी ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है यहाँ गियर में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप ये केबल देखें, ये केबल सेल्फ की है। इस पर आपने चेक करना है कि जब आप चाबी घुमाते हैं इसके ऊपर लाइन आनी चाहिए। DC टेस्टर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी 12 वोल्ट बल्ब होल्डर से काम चला सकते हैं। ये दोनों ग्रिप हैं, ये गियर के साथ लगते हैं। इनको खोलें, खोल के अगर ज़्यादा गंदे हैं तो किसी क्लीनर से इनको साफ़ करके, और अगर लूज़ हैं तो इनको प्रॉपर लगाएं। ये पुरानी हो जाती है गाड़ियाँ, हार्ड होने की वजह से ये लूज़ हो जाते हैं, इनकी वजह से लूज़ कनेक्शन हो जाता है। अगर इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं हो तो इसको आप एक और जगह से भी चेक कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर इसका होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी रिले होती है स्टार्टर, वो चेक करनी पड़ती है क्या है उसमें लाइन है या नहीं। तो वो भी चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके अलावा इसको कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होगा या सर खराब हो सकता है। इसका सब ठीक ही है कि मैंने फिर वापस लगा दिए हुए। तो मैं आपको इसका मेन रिले भी दिखा देता हूँ। उसको ड्राइवर साहब के नीचे छोटे रिले के साथ ही आगे चालक कलर का बड़ा बड़ा है। ये इसका स्टार्टर होता है, ये जब काम का पैर ये अभी आदि हम चेक करते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या होता है, लगा के देखते हैं दोबारा। जब नहीं होगी तो फिर बात की गई और चेक करना पड़ेगा। अभी आप देखें हमारा ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, अभी गाड़ी बिल्कुल सही स्टार्ट हो रही है। बाद में इसको वर्कशॉप ले जाके बकायदा इसको क्लीन करके अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए वीडियो